हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सभी लोग उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे रेलवे इंजीनियरिंग के ट्वेंटी फोर्थ लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टील स्लीपर्स के बारे में इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वुडन स्लीपर्स क्या होते हैं उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज और साथ ही साथ उसके कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टील स्लीपर्स उसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में और साथ ही साथ इसके कुछ टाइप्स भी हैं यानी कि आगे फर्दर स्टील स्लीपर के भी दो टाइप्स हैं उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे विद दी हेल्प ऑफ डायग्राम्स तो चलिए बिना टाइम वेस्ट को शुरू करते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं स्टील स्लीपर्स के बारे में स्टील स्लीपर्स सबसे पहले हम स्टील स्लीपर के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं स्टील स्लीपर्स आर मोस्ट ऑफन यूज इन इंडिया ड्यू टू मोर स्ट्रेंथ एंड लाइफ स्पैन एज कम्पेयर टू अनदर स्टील स्लीपर जो है इंडिया में मोस्ट ऑफनली यूज किए जाते हैं इसका कारण ये है कि जो हमारे स्टील स्लीपर है उसकी स्ट्रेंथ और लाइफ स्पैन जो है ज़्यादा होता है अगर हम उसे अनदर टाइप ऑफ स्लीपर से कंपेयर करेंगे जैसे वुड और कंक्रीट सेक्ट्रा इट कंटेन्स सिक्स एम एम थिक शीट्स ऑफ स्टील एंड बोथ एंड्स बैंड डाउन जो हमारे स्लीपर होते हैं उसमें हम सिक्स एम एम थिक शीट यूज़ करते हैं स्टील की और उसके बोथ हैंड जो है हम बैंड डाउन कर देते हैं जैसे इस डायग्राम जहाँ इस इमेज में आप देखिए जहाँ पर जे हमारा है स्टील स्लीपर जो अंदर से होलो होते हैं इसमें जो शीट यूज़ की गई है जिसकी थिकनेस है सिक्स एम एम इसके जो एज हैं वो नीचे की तरफ बैंड कर दिए जाते हैं जे बैंड इसलिए किए जाते हैं ताकि इसका वेयर और टेयर कम हो एजेस पर और साथ ही साथ जो है इसकी जो ग्रिप भी अच्छी बने जिसके कारण जो स्टेबिलिटी अच्छी प्रोवाइड कर सके स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ स्टील स्लीपर्स इज़ ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड एटी एम एम जो हमारे स्टील स्लीपर की स्टैंडर्ड लेंथ होती है वो होती है छब्बीस सौ अस्सी एम एम यानी कि टू पॉइंट सिक्स एट मीटर स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज़ हो जाते हैं कि स्टील स्लीपर्स और कास्ट आयरन स्लीपर्स में क्या डिफरेंस है जो हमारे स्टील स्लीपर होते हैं उसमें सबसे जो कॉमन डिफरेंस होता है स्टील स्लीपर में हम कार्बन कंटेंट जो है कार्बन हम यूज़ करते हैं टू परसेंट से कम और कास्ट आयरन स्लीपर में हम जो कार्बन की क्वांटिटी या मात्रा को टू परसेंट से ज़्यादा यूज करते हैं जे जो है बेसिक और कॉमन जो है डिफरेंस है दोनों के बीच में नेक्स्ट टाइप्स ऑफ स्टी स्लीपर सबसे पहला जो टाइप है स्टी स्लीपर का वो है की टाइप स्टी स्लीपर इन दिस लग्स एंड जा प्रेस्ड आउट ऑफ स्लीपर्स एंड की यूज टू होल्ड रेल इसमें क्या होता है कि हम स्लीपर में से लग्स और जा प्रेस आउट कर लेते हैं निकाल लेते हैं और उसमें हम रेल को जो है की की मदद से होल्ड करते हैं उसे पोजीशन प्रोवाइड करते हैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि लग और जा क्या होता है इसके बेसिस पर की टाइप चीज स्लीपर के भी आगे फर्दर दो टाइप हैं पहला है लग टाइप दूसरा है लूज जा टाइप पहला है लग टाइप लग टाइप स्लीपर आप जहाँ पर देख सकते हो जे हमारा स्लीपर है इसमें से हमने जो इसका एक पोर्शन जो है बाहर की तरफ निकाल लिया है प्रेस्ट आउट कर लिया है स्लीपर में से जान की जे जो लग आप देख सकते हो जे वाली पोजीशन जे एक्चुअल में स्लीपर का ही एक हिस्सा है इसे हमने इस स्लीपर में से बाहर निकाल लिया है जहाँ पर हमने प्लेस कर दी है रेल रेल को अच्छी पोजीशन और अलाइनमेंट पे स्टेबल रखने के लिए हमने की का यूज़ किया है ताकि जे इसे ग्रिप प्रोवाइड कर सके रेल को और जे अपनी जगह पर बनी रह सके नेक्स्ट है हमारा लूज जा टाइप लूज जा टाइप में हम जो है स्लीपर में एक जहाँ पर बेरिंग प्लेट यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर हमने लूज जा इस्तेमाल किया हुआ है जे भी स्लीपर में से हमने प्रेस्ड आउट किया है लूज जा आप देख सकते हो जहाँ पर और इसमें भी वैसे ही हमने रेल प्लेस की है और की हमने इसलिए प्रोवाइड की हुई है ताकि इसे ग्रिप मिल सके रेल अपनी पोजिशन पर बनी रह सके ये दो टाइप हैं की टाइप सी स्लीपर के जो कि है स्टीज स्लिपर का पहला टाइप दूसरा है क्लिप एंड बोल्ट टाइप स्टीज स्लीपर इन दिस टाइप ऑफ स्लीपर्स क्लिप्स एंड बोल्ट आर यूज्ड फॉर होल्डिंग द रेल इन पोजीशन क्लिप एंड बोल्ट टाइप स्टीज स्लीपर में हम क्लिप और बोल्ट को यूज़ करते हैं ताकि हमारी रेल जो है एक स्लीपर के ऊपर पोजिशन पर होल्ड रह सके बनी रह सके होल्स आर केब्ड स्मॉल एंड सर्कुलर फॉर बोल्ट टू प्रिवेंट क्रैक इन स्लीपर स्लीपर में होल के कारण क्रैक ना बन जाए क्योंकि हमें जो है बोल्ट लगाने के लिए उसमें होल चाहिए होते हैं स्लीपर में तो उस होल्स को हम स्मॉल रखते हैं और सर्कुलर रखते हैं ताकि उसकी वजह से कोई से किसी भी तरह का जो है क्रैक प्रोड्यूस ना हो जाए हमारे स्लीपर में इट रिक्वायर्स फोर क्लिप्स एंड बोल्ट फॉर ईच वन एक स्लीपर को स्लीपर में जो रेल को फिक्स करने के लिए फ़ोर क्लिप और फोल्ट फोर बोल्ट चाहिए होते हैं जैसे इस डायग्राम में देखिए है हमारा स्लीपर जहाँ पर हमने क्लिप के साथ जो है अपनी रेल को होल्ड किया हुआ है जो क्लिप है जहाँ पर हमने बोल्ट को है बोल्ट की मदद से हमने है क्लिप को जो होल्ड कर दिया है इस स्लीपर में इस स्लीपर में जो है फ़िक्स कर दिया है ताकि हमारी क्लिप अपनी पोजीशन से ना हिले और क्लिप की मदद से हमने रेल को जो है फिक्स कर दिया है एडवांटेजेस ऑफ स्टील स्लीपर्स अब हम जो है स्टील स्लीपर की एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं पहली एडवांटेज है इजी टू हैंडल ड्यू टू इट्स लाइट वेट हम स्टील स्लीपर में जो है सिक्स एम एम थिक शीट यूज़ करते हैं जिसकी वजह से इसका वेट कुछ खास ज़्यादा भारी नहीं होता जे वेट में लाइट होती हैं इसलिए इसे हैंडल करना भी काफ़ी आसान होता है इसके लाइट वेट होने की वजह से दूसरा है रिक्वायर्ड लेस फास्टनिंग इसमें हमें ज़्यादा फास्टनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती फास्टनिंग होता है फिक्स करने के लिए रेल को अपनी पोजिशन पर स्लीपर के ऊपर हम यूज़ करते हैं तो इसमें ज़्यादा फास्टनिंग और फिक्सिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती ये भी इसकी एक मेरिट या फिर एडवांटेज है तीसरा है लोंगर लाइफ स्पैन दैन वुडन स्लीपर्स जैसे कि आपको पता ही है स्टील की लाइफ स्पैन जो है ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वुडन स्लीपर और और भी ऐसे स्लीपर हैं जिससे इसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा है तो यह भी एक उसकी एडवांटेज है ईजिली एडजस्टेबल इसकी जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है इसकी वजह से इसे एडजस्ट करना काफ़ी ईजी है इसमें हम रेल अच्छे से जो है एडजस्ट कर सकते हैं इसकी अलाइनमेंट बना सकते हैं और प्रॉपर गोज मेंटेन कर सकते हैं नेक्स्ट है मोर स्क्रैप वैल्यू इसकी स्क्रैप वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है जैसे अगर कोई चीज स्लीपर हमारा जो ख़राब हो जाता है अगर हम उसे बेचेंगे तो उससे हमें स्क्रैप वैल्यू यानी कि उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट जो है रिटर्न में मिलेगी वुडन स्लीपर की जो है हमें उसमें भी कॉस्ट कुछ नहीं मिलती है और साथ ही साथ कंक्रीट जो स्लीपर होते हैं उसकी तो स्क्रैप वैल्यू नील होती है यानी कि ज़ीरो होती है इजी मेंटेनेंस इसकी मेंटेनेंस भी काफ़ी इजी है एज़ कंपेयर टू नदर टाइप ऑफ स्लीपर्स अभी हम डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं किसी भी चीज़ की अगर एडवांटेज होती है तो उसकी लिमिटेशन या डिसएडवाटेजेस तो होती ही हैं सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करते हैं फर्स्ट है हाई इनिशियल कॉस्ट इसकी इनिशियल कॉस्ट जो है वो काफ़ी हाई है जैसे कि एक ट्रैक पर हम सीलिय स्लीपर यूज़ करने वाले हैं तो उस प्रोजेक्ट के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा फंड चाहिए

ट्रैक सर्किटिंग एक डिवाइस होता है जो हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर ट्रैक पर अभी ट्रेन अवेलेबल है या नहीं है जो कि सिग्नलिंग के लिए इस्तेमाल होता है तो उस डिवाइस के लिए जे सुटेबल नहीं है नीड स्पेशल सुटेबल ब्लास्ट ये हर तरह के ब्लास्ट के ऊपर हम जो है यूज़ नहीं कर सकते इसके लिए कुछ स्पेशल ब्लास्ट होते हैं वहीं पर हम सी स्लीपर को यूज़ कर सकते हैं और टाइप ब्लास्ट के ऊपर इसे यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि ब्लास्ट भी हमारे कई तरह के होते हैं कैन भी इफेक्टेड क्रोजन जब हमारी स्टील होगी उसे क्रोजन तो लगेगा जब हम उसे ओपन एयर में ओपन इन्वायरमेंट में यूज करेंगे तो इसमें जो है क्रोजन काफी ज्यादा लग जाता है जैसे इस इमेज में जब पिछली इमेज आपने देखी होगी वहां पर आपको हर जो स्लीपर में है क्रोजन दिखा होगा तो इसमें जो है क्रोजन आसानी से लग जाता है जे भी इसकी एक डिसएडवांटेज है मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो इस लेक्चर्स के नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां पर जाकर आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो देख भी सकते हो रेलवे इंजीनियर के सभी प्रीवियस को मिलाकर हमने लिस्ट बनाई है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां पर क्लिक करके आप उसे प्ले को देख सकते हो नेक्स्ट लेक्चर्स में भी हम एक इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में कवर करने वाले हैं जो कि है सी स्लीपर्स यानी कि कास्ट आयरन स्लीपर्स और भी सिविल इंजीनियर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके थैंक यू